तैयारी होगी ना? देखिए, अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। क्या? दीदी को समय चाहिए? पर समय क्यों चाहिए तुम्हें? अब तो तुम मेरी पत्नी हो ना, और मैं तुम्हारा पति, मेरा सामाजिक हक है तुम पर। छोड़ दो। लगा है दीदी में कोई कमी है? अरे सर बेकार हो गया, ये बहुत अच्छा है। ये सिखाया है तेरी माँ ने अच्छा तुझे? पक्का? शादी की पहली रात अपने पति को मना करती है, ये नहीं होती भारतीय औरत। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू आइंदा ना नहीं आएगी। जिसे
मुझे कहीं ना कहीं ये मालूम है कि जो मैंने किया वो गलत था, वो सामाजिक तौर पे गलत था, वो इंसानियत के नाम पे गलत था, लेकिन फिर भी इस समाज के बोझ तले मुझे ये करना पड़ा, वरना वरना मेरी बर्दाश्ती का सबूत तुम्हें कैसे मिलता? और अगर अगर मैं अपनी बर्दाश्ती का सबूत तुम्हें ना देता तो तुम ही मुझ पे थूकते, मुझ पर लांछन लगाते, और ये बेचारी तो बस एक खिलौना है, समाज का खिलौना जिससे सब खेलना पसंद करते हैं। लो लो खेलो। डर गया। आओ मैं खेल के दिखाता हूँ तुम्हें। कहते हो मुझसे प्यार बेशुमार करते हो, मैं ही तो हूँ जिस पर दिलों जान से मरते हो, फिर आखिर क्यों हर रात मेरी नाक को इतनी बेरुखी से नजरअंदाज करते हो? कितना कुछ कहना चाह कर भी चुप रह जाते, शायद अपने बीवी होने का फर्ज निभाती हूँ, बिना मर्जी के भी तेरे बिस्तर पर अपना जिस्म लुटाती हूँ। क्या तूने नहीं देखे वो आंसू जो मेरी आंखों से बहते हैं? वे तेरे मर्द होने के गुमान की नहीं, मेरी मजबूरियों की दास्तान बयां करती है। आओ अपनी इस हवस को किनारे रखो, ये हाथ आज भी तेरा इंतजार करते, आज भी तेरा इंतजार करते, आज भी तेरा इंतजार। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है। तोड़ कर रास्ता बुत बंदे कदामत से निकल, जोफी इशरत से निकल, वहम की नजाकत से निकल, लफ्ज के खींचे हुए हल्काए अजमत से निकल, कैद बन जाए जो मोहब्बत उस मोहब्बत से निकल, कैद बन जाए जो मोहब्बत उस मोहब्बत से निकल, कैद बन जाए जो मोहब्बत उस मोहब्बत से निकल, कैद बन जाए जो मोहब्बत उस मोहब्बत से निकल। अरे शक्ति बेटा, अरे रो क्यों रही है? रो मत, रो मत, मेरी बात याद कर, तेरी खुशी तेरे हाथ में है, अगर तुझे वो लड़का नहीं पसंद ना छोड़ दे उसे, मैं तेरी शादी उससे भी अच्छे लड़के से कराऊंगा और भी धूमधाम से कराऊंगा। अगर मुझे शादी नहीं बिगड़नी, मुझे वो भी मंजूर है, याद रखना ये सब अगर तेरे साथ नहीं भी है तेरा बाप तेरे साथ। रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवी और देवताओं का वास होता है। पर अफसोस हमारे भारत देश में क्या सच में ऐसा हो रहा है? आज 21वीं सदी की भी महिला अपने हकों के लिए आज भी चीख रही है, लड़खड़ा रही है, उसके कदम आप तक पहुँच नहीं रही, उसकी चीखें आपके कानों तक सुनाई नहीं दे रही। आज भी क्यों आखिर आप सब बहरे, अंधे और गूंगे हैं? बने हैं जितने दिव्य पुरुष स्रोत प्रेरणा नारी है, पर बना दिया बला जुल्मों में फिर भी मारी मारी। माना
माना कम से घिरे हैं हम, माना कम से घिरे हम, माना शमशान में खड़े हम, माना जज्बात बह रहे हैं आंखों से, माना लब थर थरा रहे हैं। पर हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हमने एक सैलाब अभी बाकी है, हम उठेंगे आवाज करके, हमने अभी एक जान बाकी है, हमने अभी एक जान बाकी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। This is team Adam from Lucknow University presenting the topic हक है मेरा औरतों के प्रति उन हकों को दिखाना जो कि शायद आप सब सामाजिक मानते भी नहीं है। हर एक जुर्म सामाजिक है, ना ना होती है, चाहे वो चार दीवारी में हो या खुले आसमान के नीचे। दबा।